नमस्कार और आप देखें पल पल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ठोका प्रदेश में 132 स्कूलों पर जुर्माना। बोर्ड द्वारा लगाई गई एग्जाम ड्यूटी न देने पर यह जुर्माना ठोका गया। अगर तय सीमा पर जुर्माना नहीं भरा गया तो 5,000 की बजाय भरनी होगी 1,00,000 की राशि। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मान्यता रद्द करने से संबंधित कार्रवाई भी कर सकता है बोर्ड। वहीं बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक बयान जारी किया, कहा कि इस प्रकार का कोई जुर्माना नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूलों पर लागू हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए बोर्ड ने पहले ही ये जुर्माना माफ़ कर दिया था। उन्होंने कहा कि बोर्ड हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है, जल्द ही बैठक करके बनाएंगे आगे की रणनीति। निजी स्कूल संचालकों पर बोर्ड ने 5,000 रुपये जुर्माना लगाया था और इसी समय इसकी समय सीमा जो 10 जून को समाप्त हो गई। वही बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल ये जुर्माना नहीं भरेंगे उनकी राशि 1,00,000 रुपये कर दी जाएगी, साथ ही उनकी मान्यता पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा में बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे और बोर्ड के इन एग्ज़ाम में निजी स्कूल के अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी। बोर्ड ने बताया कि 3300 निजी स्कूलों के अध्यापकों की इसमें ड्यूटी लगाई गई थी, ऐसे में 800 स्कूलों ने ड्यूटी नहीं दी थी। बोर्ड ने 800 पर जुर्माना लगाया था। 800 में से 668 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने अब जुर्माना राशि दे दी है, लेकिन अब तक 132 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा। वहीं जब बोर्ड के चेयरमैन से बात की गई तो बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन स्कूल के स्टाफ ने बोर्ड के साथ कॉपरेट नहीं किया था, जबकि बोर्ड ने पहले भी जुर्माना माफ़ कर दिया था। अब बोर्ड उन्हें इनकी सजा दे रहा है। आप देखें पल पल भिवानी से ये विशेष रिपोर्ट। नहीं है, जब पिछले वर्ष भी जुर्माना लगा था तो प्राइवेट स्कूलों की यूनियन आई थी, उन्होंने कहा था कि इस वर्ष हमें इन नियमों की जानकारी नहीं थी और हम आपको कोऑपरेट नहीं कर पाए, आगे से हम कोऑपरेट करेंगे, हमारा जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। तो पिछले वर्ष उन सब स्कूलों का जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। उसके बाद उन्हीं यूनियनों ने बोर्ड का धन्यवाद भी किया था माफ़ करने के लिए और हम कोऑपरेट करेंगे, इसका अपने लेटर पैड पर लिख करके भी दिया था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे परीक्षाओं में। और ऐन समय पर जब हमने परीक्षाएँ प्रारंभ की उस दिन हमें 2 घंटे पहले पता चलता कि वो फलाना टीचर ड्यूटी देने नहीं आया है। ऐसी अनियमितताएँ उनके कारण से हुई, इस कारण से प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उसमें से लगभग 800 इस प्रकार के स्कूल थे, 3300 स्कूलों में से 800 स्कूल थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं दी और उसमें से सिर्फ 132 स्कूल बचे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा है। तो इसमें नियम यह है कि एप्लीकेशन के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे तो जुर्माना 5 की बजाय 1,00,000 रुपये भी हो सकता है। तो सब विद्यालयों से मेरा निवेदन है फिर कि अभी समय से पूर्व बोर्ड ने जो पोर्टल पर दिया हुआ है 5,000 रुपये अपने घर बैठे ही भर सकते हैं, सोमवार को परीक्षा परिणाम आने वाला है। जो रिजल्ट आएगा क्या उन बच्चों का भी आएगा जिन स्कूलों ने ड्यूटी नहीं दी थी, जिनके जुर्माना बोर्ड का? रिजल्ट तो प्रत्येक विद्यार्थी का देना है, प्रत्येक विद्यार्थी को हक भी है अपना रिजल्ट लेने का, तो रिजल्ट तो सबको दिया जाएगा। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध एप्लीकेशन के नियम 10B के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुर्माना उनकी एप्लीकेशन ली जा सकती है या 1,00,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कभी नहीं कहा कि हम जुर्माना नहीं भरेंगे। जुर्माना तो है ही नहीं कोई। 2018-19 में जो टीचर अब्सेंट रहे किसी कारणवश, हमने चेयरमैन साहब से टेबल पर बैठ के बात करी हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने, और चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये 2018-19 का जुर्माना मैं माफ़ कर देता हूँ, आगे से आप लोग अपना इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो जुर्माना तो माफ़ कर दिया था, तो जुर्माना है ही नहीं कोई। अब ये बिना बात की कोई बात लेके चेयरमैन साहब किसी बात पे अड़े हुए हैं, अपनी हठधर्मिता लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है और हम 1-2 दिन में प्रदेश की हमारी सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भिवानी में बुलाकर एक पत्रकार वार्ता करके और आगे के आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। सर, जिस प्रकार से बोर्ड प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने अपने खुद के जो पेपर है यूनियन का उसके ऊपर लिख करके दिया है कि हम जुर्माना राशि जो है जब भर देंगे। देखो, स्कूलों का जो मामला है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों का 12 महीने में जो रिजल्ट एग्जाम जो होते हैं उसका रिजल्ट आना होता है, तो अगर बोर्ड चेयरमैन इस प्रकार की धमकी देते हैं मैं रिजल्ट रोक लूंगा तो स्कूल विवश हो जाते हैं उनके सामने, क्योंकि बच्चों को जवाब देना पड़ता है। बच्चे को रिजल्ट नहीं आता, स्कूल का रिजल्ट रुक जाता है तो स्कूल की बदनामी होती है।
तो इस दबाव में, इस प्रेशर में कुछ स्कूलों ने जुर्माना हो सकता है दे दिया हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जुर्माना, जब जुर्माना माफ कर दिया तो किस बात का जुर्माना, तो वो वापस दिलाने के, जिन स्कूलों ने जुर्माना भरा है हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात हुई है और एक दो दिन में हम मीटिंग करके इसकी आगे की रूपरेखा तय करके, अगर आंदोलन करना पड़ा बोर्ड के खिलाफ, बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ, तो हम खुल के आंदोलन करेंगे और ये जुर्माना राशि माफ करवाएंगे। और दो तीन बातें हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2 साल पहले प्राइवेट स्कूलों के 8वीं की एफिलिएशन फीस जमा करवाई थी, 2 साल पहले जो फीस जमा करवाई थी आज तक ना ही तो बोर्ड लागू हुआ, ना ही उस फीस का कोई अता पता, तो हम ये डिमांड भी करते हैं कि वो फीस वापस दी जाए। तो इस प्रकार की बोर्ड से और बहुत सारी शिकायतें हैं, वो बैठ के कल परसों में हमारी मीटिंग होनी है प्रदेश की, उसमें फैसला करेंगे। सर आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के या प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी से, चेयरमैन साहब भी जो है वो भी बीजेपी से संबंधित, क्या बीजेपी की लड़ाई माने इसे या जो है बोर्ड प्रशासन वर्सेस जो है प्राइवेट स्कूल? देखो ये लड़ाई नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल अपना हक चाहते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, कोई सरकार के आदेश नहीं है, कोई पार्टी के आदेश नहीं है कि इस प्रकार का जुर्माना वसूल किया जाए। सरकार तो ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले रहे, टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं, सरकार हमारे साथ, हमारी शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन हमें दिया है कि किसी भी स्कूल का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। सर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं एक बात को बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसमें पार्टी और सरकार का कोई रोल नहीं है, ये चेयरमैन साहब की खुद की सोच है, पार्टी ने कभी नहीं कहा इस प्रकार से जुर्माना आप इस कोरोना महामारी में आप इस प्रकार से जुर्माना लगाएं या इस प्रकार की धमकी दें, जिस प्रकार की धमकी उन्होंने दी है कि 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल करेंगे या बोर्ड की एफिलेशन रद्द कर देंगे, तो इस प्रकार की जो तानाशाही है ये सिर्फ एक इंसान की हो सकती है, पार्टी और संगठन की नहीं है।